कैसी गाड़ी चला रहा है? बाहर निकल, 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 बाहर निकल। कौन है? निकल, निकल। ये तुम चलाएगा? नहीं, हमने चलाया। तुम? हमने नहीं चलाया। अरे तुम नहीं चलाया, ये नहीं चलाया, तो चलाया कौन ने? आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या? सर, सर पिटाई तो बलबूत हुआ है इसका, लगता है। पीटा तो है, उसके बाद लगता है जैसे गोली मारा है कोई। है कौन ये? सर ये देखने में तो सिकंदर सिंह लग रहा है। एक मिनट सर। बहुत बुरी तरीके से पीटा यार। सर ये सिकंदर सिंह है। तो बाप के नौकर है रे, कि उसके हिसाब से चलेंगे? बात नहीं मानता है तो दुगो गोली का खुराक दो ना उसको। मिश्रा जी खाली 2 हफ्ता और दे दीजिए। 2 हफ्ता और दे दीजिए? आपको पता है ना कि आपका 3 गो किस्ती बाकी है और सिकंदर सिंह का खैराती ट्रस्ट चला रहे हैं, है? लोन लेते समय तो चले आते हैं लेने के लिए, है? लोन भी हम ही दे, तगादा भी हम ही करे। बाहर दुनिया का खेल है तुम्हारा। मिश्रा जी खाली 2 हफ्ता, 2 हफ्ता में सब चुका देंगे। इंस्टॉलमेंट अगर समय पर नहीं दिए तो मीनिंग समझ लीजिए, जाइए जाके बंदोबस्त कीजिए और लेके आइए। आओ आओ जी आओ। नमस्ते जी। नमस्कार। इतना ही हमारे पास? अरे काम इसरा जी, अभी तक भैया खाता में लगे हुए हैं। अरे हट हट हट, कितना हिसाब करते हैं महाराज आप? अरे कहा बताए भैया, जितना लोग खड़ा है ना सबका लोन का किस्ती बाकी है। ये देखिए, हाँ ये देखिए, इनितेश राउत 2 किस्ती, अरे जो अभी भी राजेश गया है ना अभी, उसका 3 गो किस्ती बाकी है। अब आप ही बताए भैया कि हम क्या करें। अरे तो काहे इतना टेंशन ले रहे, हम सबको हैंडल करते हैं पर्सनली। जाए जाके देखिए तो। सिकंदर बाबू आप सो गए थे क्या? सॉरी। लेकिन ई बेरा आप यहां? अरे यार सुने, तुम्हारा 3-3 किस्त बाकी है। भैया जी हम सब चुका देंगे, खाली हमको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। अच्छा चलो मूल नहीं तो सूद ही ले दो। भैया जी अभी सूदो देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। यार कितना झूठ बोलते हो, हाँ शर्म नहीं आ रहा है? सूद नहीं तुम्हारे पास है ना? भैया जी, भैया जी, भैया जी।
हाथ हटाइए। क्या हुआ? हम आपकी वाइफ हैं, कोई कर्जदार की बीवी नहीं कि जब मर्जी आई जगा दिया। सिकंदर भैया ये देखिए, ये प्रकाश राय है, इसका भी 4 महीने से किस्ती बाकी है। हम फोन कर करके आदमी भेज भेज के थक गए हैं, लोन देने का नाम नहीं ले रहा है। अब आप ही कुछ पर्सनली भैया जी इतना रात को? देखिए भैया जी, आप बहुत बहुत गलत काम करेंगे। हमने आपसे पैसे लिया है, हम कह रहे ना एक एक पाई चुका देंगे, लेकिन हम अपने परिवार के साथ बदतमीजी नहीं होने देंगे भैया जी। हम आपके हाथ जोड़ते, पैर पड़ते, गोली मत मारिए, पैसे चुका देंगे हम लोग, चुका देंगे भैया जी। कहाँ विचार है, सूद ले लीजिए। जासूसी करना छोड़ दो, नहीं तो सारा जिंदगी बाल चुनते चुनते तुम्हारा अपना सर का बाल सफेद हो जाएगा। अरे कहा मिश्रा जी, नरेशवा आपने लोन का किस्त चुकाया कि नहीं? कहां चुकाया सिकंदर भैया? वो बोलता है कि इस बार भी सूदे देंगे। मिश्रा जी, ये नंगा नाच कब तक चलेगा? अब क्या बताएं मैडम, जब तक सिकंदर भैया की मर्जी है। काहे? उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता का? अब हो तो कुछ भी सकता है मैडम। बीना, बीना, अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुई, भैया जी पहुंचने वाले होंगे। शर्म नहीं आती तुमको? पत्नी है हम तुम्हारी। अरे शर्म करें कि जान दे दें, सूद चुकाने के पैसे होते तो ये सब। और ये का, तू अभी तक लिपस्टिक नहीं लगाई? अरे पिछली बार वो बोल रहे थे और तू यहाँ का कर रहा है? चल सूद चल के दूसर कमरा में, अब तू जल्दी तैयार हो। भैया जी कारण रिश्वा, इस बार भी सूद। कहा कि भैया जी अगर नगद होता तो दे ना देते हैं। जाइए ना भैया जी, वो भेंट कर रही है आपका। ये हवस थी या पैसों का बकासुरी लालच, कहना मुश्किल है। सिकंदर सिंह से कर्ज लेने वालों के लिए जिंदगी मौत से बदतर हो गई थी। डर मूल से ज्यादा सूद का था, दांव पे घर के बर्तन नहीं घर की आबरू थी। इतना इतना पैसा बकाया है लोगों का मिश्रा जी, लोन का धंधा ऐसे ही चलता रहेगा तो हमको तो लॉस ही लॉस है मिश्रा जी। अरे कहाँ भैया जी, ये भागलपुर में कौन ऐसा आदमी है जो आपसे कर्जा नहीं लिया है? अब दो चार आदमी किश्ती का, वो सबका स्क्रू टाइट कीजिए मिश्रा जी। अब स्क्रू टाइट तो आप ही कीजिएगा ना भैया जी, पर्सनली। प्रणाम भैया जी। हाँ हाँ बोलो। इंस्टॉलमेंट का पैसा देना है तुमको? नहीं, एक तो बात कहने आए थे। हाँ तो बोलो। आप हमारे डेरा पर बताए कीजिए। देखिए हमारे पास जब भी पैसा होगा हम आपको इधर आके दे देंगे, अगर आप हमारे डेरे पर आए तो। अरे तू कहाँ बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, पता है तुमको? पता है तुमको साला नाली का कीड़ा? ए मुश्रा जी, काहे अपना बीपी बढ़ा रहे हैं? बोल बोल।
तो हमको पुलिस में खबर करना पड़ेगा। सर ट्रेन से कट गया। अम्मा जी संभालिए अपने आप को। कौन किया ये सब? अगर हम उसको बर्बाद नहीं किए तो हम आपकी बेटी नहीं। अभी हो गया प्रकाश राजा खाता बही। काहे भैया सूद का कलेक्शन जारी रखिए मिश्रा जी। भूल गए क्या? सिकंदर सिंह लाश से भी पैसा वसूल कर सकते हैं। तुम हमसे मैरिज करना चाहते हो ना? नेहा हम तुमसे हमेशा से मैरिज करना चाहते हैं। तो सुन लो पापा की मौत का बदला लेना है तुमको। बहुत ही मुश्किल से निकलवाए हैं ये काम करके ना तुम हम लोगों पे ना बहुत बड़का उपकार करोगे। चलता है का? ये खिलौना नहीं है कट्टा है। अरे तरुण अरे ट्यूशन नहीं चलना है करे? हाँ आ रहे हैं। क्या कर रहा है बे देरी हो रहा है। संतू एक मिनट खड़ा भी नहीं रह सकता है बाहर। तुमसे अकेले हो पाएगा? रे आना ना करे कैसी गाड़ी चला रहा है? शुक्ला जी ये देखो टायर का निशान। ऐसा लगता है सिकंदर का गाड़ी को ओवरटेक करके रोका गया है। तुम लोग यहाँ कुछ देखे? साहब हम दुकान में साफ सफाई कर रहे थे इतने पीछे गोली चलने का आवाज आया। फिर हम पीछे मुड़ के देखे तो तीन को लड़का लोग हाथ में कट्टा लिए फटाफट गाड़ी में बैठे से निकल गए। जाने कहां से तीन को और लोग आया और वो गाड़ी वाले को लाठियों से धरपट मारी और वो लड़का लोग का गाड़ी छोटा था। इधर लड़का लोग भागा और उधर पीछे से एक गो गाड़ी और आया और उन औरत लोग को लेकर निकल गए। अच्छा वो गाड़ी का नंबर था क्या? कुछ देखा? नहीं साहब नंबर तो नहीं देख पाए। वो गाड़ी फटाफट चला गया तो हम ध्यान नहीं दिए। जहाँ जी स्टेटमेंट लिखिए इनका। सर ये सिकंदर जो है बहुत खतरनाक आदमी था सर। मान के चलिए कि एक नंबर का राक्षस। तब तो इसका बहुत दुश्मन रहा होगा। हाँ सर इतना कि कहीं नहीं सकते किसने मारा होगा। सुमन सुमन अरे मुंह खोलो। अरे आज से असल और सूद सब माफ। सिकंदर मर गया। कोनो दुश्मनी थी उनकी किसी से? हमसे तो कभी बोले नहीं कि उन्होंने से जान का खतरा है। बिजनेस से जुड़ी कोनो बात? बिजनेस तो हमसे कहीं ना डिस्कस नहीं किए थे। हमसे तो बस मिश्रा जी सिकंदर का सारा अकाउंट आप ही ना देखते थे कुछ मालूम है? सर एक हफ्ता पहले उनको एक वो फोन आया था। हेलो कौन बोला? वो सब छोड़िए पहले ये बताइए कि तुम्हारा लोन वाला बिजनेस है उसमें हमको हिस्सेदारी दे रहे हैं कि नहीं? कहे तुम्हारा बाप है रे। जो समझ लीजिए। सामने आओ ना तुम हम समझाते हैं तुमको बिजनेस। तो हम हिस्सेदारी पक्की समझे? तो सुनिए नाथनगर से लकी सराय तक का कलेक्शन हम लोग करेंगे बाकी आप मैनेज करिए। सोच लीजिए अब हमको मना कर रहे हैं बाद में पछताना पड़ेगा। जिंदगी बर्बाद कर देंगे तुम्हारा समझे। किसका फोन था भैया कौन था? जिसका भी था
अपनी मौत को इनविटेशन दे रहा था। कौन फोन किया था, नाम बताए थे? नाम तो शायद नहीं बताया था सर। फिर उसी रोज शाम में तुम्हारा बिजनेस ओवर। उसके अगले रोज ही अटैक बस शुरू हो गया सर। चलो पैसा निकालो जल्दी से। भैया जी, किनार लोकेशन पर अपना आदमी लोग पर हमला हुआ है। तो ये लोग पलट के फायर कहानी करता है, है? हाथ में मेहंदी लगा के जाता है कई लोग। वो लोग बड़ी स्पीड में आता है और मार के निकल जाता है। बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में आपने अपना विचार बदला कि नहीं, या फिर और डोज दें? आगे मिलो। भैया जी, दो पैग और मंगवा लीजिए ना। क्या है कि बिजनेस के डिस्कशन में टाइम तो लगेगा ना, है? धोखा किया हमारे साथ, धोखा। छोड़िए हमको, रुको रुको रुको, छोड़िए। पार्टनरशिप का मतलब समझाओ इसको। बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं भैया जी आप, बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। जिंदगी बर्बाद कर देंगे तुम, देख लेंगे। अरे चलो देखेंगे, मारे मेरी प्लीज, अरे भैया जी छोड़ेगा नहीं तुमको, देखना। भैया जी तू तो गया। कभी हुआ ये? 2 हफ्ता पहले। वो रोज सुबह वो सैंडिस कंपाउंड जाते थे ना सर। सैंडिस कंपाउंड क्यों? वो हर रोज सुबह सैंडिस कंपाउंड में जॉगिंग करते थे ना सर। अकेले? सर सिकंदर सिंह के नाम से तो इंसान का भूत भागता है। उनको कोई बॉडीगार्ड वॉडीगार्ड का जरूरत नहीं था, वो अकेले ही काफी थे। उनका नाम से भूत भागता है? हमको तो पता चला है कि वो सिक्सर रखे थे। चला नहीं कहा? मौका नहीं मिला सर। अगर मौका मिलता ना तो छो के छो गली उतार देते उसको। अच्छा, गोली लगने के बाद 3-4 औरत मिलकर उसको पीटा भी, ये खेल का है? बोलिए ना। ये तो हमको नहीं पता है सर। निकलिए। ठीक है सर। शुक्ला जी, क्या लगता है आपको, ये सच बोल रहा है? सर हमको तो लग रहा है कि मिश्रा सिकंदर के बारे में कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। सिकंदर का कॉल रिकॉर्ड निकालो। सर सिकंदर की खोपड़ी में पीछे से गोली लगी है। सर हमको तो लग रहा है कि वो बचने के लिए भाग रहा होगा और इतना में किसी ने पीछे से गोली चला दिया। यानी कि उसकी मौत गोली लगने से हुआ है, औरतों का पिटाई से नहीं। अच्छा, वो जो गोली उसके सर में लगा था उसका क्या हुआ? सर लैब में भेज दिया है, रिपोर्ट कल सुबह तक मिल जाएगा सर। अच्छा, वो सिकंदर को वो आदमी कौन सा होटल में मिलने वाला था? होटल 1145 सर। मैनेजर आप है? जी। उस दिन आप यहीं पे थे जिस दिन सिकंदर सिंह एक लड़का को यहाँ पे मारा था? हाँ सर, मैं इधर था और भैया जी उस साइड बैठे थे। कौन भैया जी? सिकंदर सिंह सर, वो यहाँ के रेगुलर कस्टमर है। फिर सर वो एक लड़का अंदर आया, उसने भैया जी से कुछ बोला और बैठने ही जा रहा था कि भैया जी ने लात मार के चेयर गिरा दी और वो नीचे गिर गया। इतने में एक और लड़का अंदर आया और एक अंदर ही बैठा था, दोनों ने उसे मिलके पीटना शुरू कर दिया सर, फुल पिटाई किया है उसका। पुलिस कंप्लेंट की है? जी नहीं। क्यों? सर भैया जी सिकंदर सिंह बड़ा डेंजरस आदमी है सर। पसीना पोंछ लो, उमर चुके हैं। ये सीसीटीवी कैमरा वर्किंग है जी, इसका हमको फुटेज चाहिए। ये लड़का के बारे में पता करो, खबरी लोग को फोटो दिखाओ इसका। ठीक है सर। सर साइबर सेल से सिकंदर का कॉल डिटेल आया है। ये लड़का का कौन सा रोज का फोन आया था? सर सिकंदर को पहला फोन 23 तारीख को आया था और दूसरा का 27 तारीख को आया था सर। 27
ये नंबर हो तो किसी पीसीओ का लग रहा है। शुक्ला जी। हाँ सर। एक काम करो, पीसीओ के आसपास कोनो सीसीटीवी कैमरा लगा था पता करो जरा। ठीक है सर। सर दोनों पीसीओ में कोई सीसीटीवी नहीं है। हम लड़का को हलिया बताया तो बोला इधर दर्जनों स्टूडेंट लॉज है, मालूम नहीं कौन फोन किया है। सर पीसीओ के बारे में कोनो लीड नहीं मिला है। घर से अच्छे भले निकले थे, पता नहीं। सर ये सिकंदर की वाइफ का हाव कुछ अजीब नहीं लगा आपको? वैसे इस समय पूछताछ हो नहीं पाएगा, अपना आदमी लगवा, डिटेलवा निकलवा। ठीक सर। साहब वो प्रकाश राय है ना, वो सिकंदर सिंह से कर्जा लिया रहा और 3 इंस्टॉलमेंट बकाया था उसका। फिर क्या साहब, अभी 20 रोज पहले तो उसका लाश मिला है ना रेल लाइन के पास। अब उसकी फैमिली का कहना है कि सिकंदर सिंह ही मारा उसको। तुमको क्या लगता है? अब हमको क्या लगेगा साहब, ये सिकंदर सिंह कुछ भी कर सकता है। हमारा मतलब कि अच्छा हुआ मर गया, पर वो उसका बेटी। सिकंदर का बेटी? अरे नहीं साहब, वो ससुरा तो निर्वंश था, वो प्रकाश राय का बेटी। सुना है कि जब उसके बाबूजी का बॉडी घर में डिपॉजिट हुआ तो अपने बाबूजी के शरीर पे हाथ रख के क्रिया खाई। अगर हम उसको बर्बाद नहीं किए तो हम आपकी बेटी नहीं। आप बताइए सर, ये जो प्रकाश राय है ना, 6,70,000 रुपया लोन लिया था और 4 महीना से इंस्टॉलमेंट के नाम पर एकदम एब्सेंट। हम खुद कई बार फोन किए, कोई जवाब नहीं। भैया जी भी पर्सनली विजिट किए थे और हिम्मत तो देखिए उसका, आके बोला कि क्या बोला? मतलब बोला कि अगर आप हमारे डेरे पर आए तो हमको पुलिस में खबर करना पड़ेगा। बताइए, ये तो चोरी और ऊपर से इसलिए तुम्हारे भैया जी उसको मरवा दिया? अरे नहीं सर, वो कुकुर खुदे जाके उठा ट्रेन का पटरी पर सो गया था। सुसाइड। ये रोता बिलखता परिवार को छोड़ के, रोता बिलखता परिवार ने कसम खाई है भैया जी को मारने की, समझे? अब क्या बताएं सर, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हमको आपके घर का तलाशी लेना है। सर, का है? आपको नहीं पता है का? अरे अरे जरा तमीज से। अरे बाकी सिकंदर सिंह को हम लोग नहीं मारे हैं। थाना में चलकर विस्तार से बताइएगा, डालो इनको गाड़ी में। अरे बाकी हम लोग किए का है? सुनिए कट्टा, केवल हम अपनी आत्मसुरक्षा के लिए रखे थे, तो उसमें गलत क्या है? अच्छा, और आत्मरक्षा किससे करने की जरूरत आन पड़ी आपको? काहे आप लोग को नहीं पता है? जितना पूछा है उसका सीधा सीधा जवाब देना, वरना तुम्हारा रिमांड हम बढ़वा देंगे और उसके बाद चाय और नाश्ता देकर उगलवाएंगे सब। पापा को ट्रेन के नीचे ढकेल के कटवा दिया सिकंदर ने, हर वक्त घर में हम लोग का जिंदगी नरक बना दिया था। उन्होंने हर वक्त खतरा लगा रहता था, पापा के बाद मम्मी फिर हमें मरवा देता, तो इसलिए हथियार लेना जरूरी था। हथियार किससे लिए थे? वो रेलवे स्टेशन के बाहर एक आदमी को देखे थे, पॉकेट में लेकर घूम रहा था। पूछा उसको, 2,000 में एक कट्टा और 4 गोली दिया था। कट्टे के साथ तो हमको से 3 गोली मिला, एक गोली कहाँ गया? वो एक से प्रैक्टिस किए थे। अच्छा, नाम क्या बताया उसका? किसका? अरे उसी का, वो रेलवे स्टेशन वाला जिसने कट्टा दिया है तुमको। नाम हम नहीं पता हमको, वो उधर ही मिला था, हमने पैसा दिया कट्टा लिया बस। सिकंदर को गोली लगने के बाद 3 औरतों ने उसको मारा भी था। 3 क्यों सर, पूरा भागलपुर मिलके पीटता ना उसको तो भी कम रहता, और अगर हमरे आता जाता तो खुद ही ठोक देते उसका। सर भेजो। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये जमानत का पेपर है, नेहा और उनकी मदर का जमानत हो गया है, तो क्या हम इनको ले जा सकते हैं?
पापा की मौत का बदला लेना है तुमको। तुमसे अकेले हो पाएगा? शुक्ला जी। हाँ सर। फॉर्मेलिटी पूरा करो और जाने दो, लेकिन हाँ, आर्म्स एक्ट में आपको अरेस्ट किया है, कोर्ट में जब भी तारीख पड़ेगा आना पड़ेगा। हाँ आ जाएंगे सर, चलो। स्पीड से चाय पिएगा तो मुंह जल जाएगा रे बकलोल, चल। भागता कहाँ बे? सर, कुछ साथी के बारे में बताया यार। तुम्हारा साथी लोग कहाँ है जी? कौन साथी लोग? ले चल इसको। डालो उसको गाड़ी में। कुछ नहीं किया, डालिए इसको गाड़ी में। आइए अंदर। अरे साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, अरे हम कुछ नहीं किया, हम बोल रहे हैं ना। अब एक काम कीजिए, ऊपर जाके चेक कीजिए। सर 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 ऊपर तो कोनो नहीं मिला, लेकिन ई मिला है। आइए तो अभी बताओ तुम्हारा तिसर का साथी कहाँ है? तिसर का? तिसर का कौन साहब? थाने चलो, तुमको बताते हैं तिसर का साथी कौन तुम्हारा। चल थाने। तीसरा कोई नहीं था साहब, हम सच बोल रहे हैं साहब, सच बोल रहे हैं, कोई नहीं। अच्छा तो सिकंदर, सिकंदर कहाँ मारा? बोल सिकंदर कहाँ मारा, कहाँ मारा सिकंदर को? सर हाँ हम नहीं मारे हैं सर। अच्छा लग रहा बेटा तुम दोनों को और खुराक देना पड़ेगा। चाचे तो सर कहाँ अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं बताइए, आपका जिद से झूठ को सच नहीं ना मान लेंगे। सर सिकंदर को हमें मारना था, उसको रोड पर घेरे भी थे, लेकिन गोली हम लोगों ने नहीं चलाया सर। अच्छा तो वो औरत लोग कौन था? औरत से ज्यादा होशियारी नहीं समझा? सर 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 हम माई कसम खा के कहते हैं सर, हमने उधर कोई औरत नहीं देखी, और सर हमने जैसे उसको घेरा था ना, तो न जाने आके कहां से उसको गोली लग गया, वो जमीन पर गिर गया, उसके बाद हम लोग डर गया इसलिए हम भाग गया, उसके बाद क्या हुआ हमको नहीं मालूम है सर। शुक्ला जी। हाँ सर। दोनों को गाड़ी में डालो। गाड़ी में सर? कहीं जा रहे हैं क्या सर? तिलका माझी चौक, गोली कट्टे से नहीं 911 से चली है। इधर से हम लोग ने गाड़ी को चेजिंग करना शुरू किया, लगभग यहीं पे कहीं ओवरटेक किया था और उसको गाड़ी से खींचकर सिकंदर को बाहर निकाला, और हम लोगों के बीच में हाथापाई भी हुई थी। हम लोग कौन कौन? तुम तीन लोग थे ना? सर तीन नहीं, दो लोग थे, एक ये और एक हम। सच कह रहे हैं सर, गन फायर करने के लिए कोशिश किया, पता नहीं कहाँ से गोली चली और वो गिर गया सर। सर लड़का लोग ना झूठ बोल रहा है, 9mm भी नहीं लोग कर रहा होगा, मार के छिपा दिया, अब पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए कट्टा दिखा रहा है। हो सकता है शुक्ला जी, लेकिन ये भी हो सकता है कि औरतों में से किसी ने गोली चलाई हो। लेकिन सर औरत लोग तो बाद में ना आई थी सर। शुक्ला जी। हाँ सर। अगर औरतें बाद में आई तो इसका मतलब वो लड़कों के पीछे छुप कर खड़ी थी, और हो सकता है कि गोली उनमें से किसी ने चलाया हो, सिकंदर वहां गिरा हो, लड़का लोग डर कर भाग गया और ये लोग ने लकड़ी लेकर उस पर अटैक किया। लेकिन सर अगर गोली चलाई है तो पीटेगा कोई क्यों? वो इसलिए कि वो चेक करना चाहते थे कि वो जिंदा तो नहीं है,
अगर वो थोड़ा भी जिंदा है तो उसको पूरी तरीके से मारना चाहते थे। सर एक बात समझ में नहीं आई, ये औरत लोगों में और ये लड़का लोगों में क्या रिश्ता हो सकता है? औरतों का तो पता नहीं पर लड़के लोग का कोई बिजनेस रिश्ता हो सकता है। सर हमको तो लगता है कि जरूर कोनो पर्सनल मामला रहा होगा। मोटे पर्सनल ही लगता है क्योंकि वो लोगों को पर्सनल लोन देता था। हो सकता है किसी कर्जदार ने उसको मारने का कोशिश किया हो या मारा हो। प्रकाश, प्रकाश का बेटी याद है नेहा, उसने उसको मारने का धमकी भी दिया था। हाँ सर। और साहब सिकंदर सिंह का एक डायलॉग था कि हम तो लाश से भी पैसा वसूल कर सकते हैं। सर बहुत सारे लोगों ने सिकंदर सिंह से कर्जा लिया था। हाँ तो मिश्रा जी जो जो लोगों ने कर्जा लिया था उनका लिस्ट तो होगा ना आपके पास? है ना सर। तो दिखाइए। हाँ दिखाते सर। ओके। हाँ सर कर्जा लिए थे पर भैया जी खाली देखने में बिकराल आदमी थे, पर आदमी थे बहुत दयालु, फुल टाइम दिए हमको। चलो भैया जी, भैया जी। मिश्रा जी तो थोड़ा ऊंचा बोल देते साहब, मगर सिकंदर बाबू कभी नहीं। वो हमेशा अगर किस्त में देरी हो गई तो यही बोलते थे कि कब दोगे, अगर असल नहीं है तो सूद ही दे दो। जाइए ना भैया जी, वो भेंट कर रही है आपका। बड़े प्यार से बोलते थे। नहीं साहब, सिकंदर बाबू वो तो देवता आदमी है। सरी सिकंदर तो देवता निकला। हाँ डर का देवता, देखा नहीं सबका चेहरा, ऐसा लग रहा था जैसे सिकंदर की मौत के बाद भी उन सबको आकर वो मारेगा। अब क्या करें सर, इस सिकंदर के मरने के बाद भी ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सच बोलने को तैयार ही नहीं। एक तो आदमी है जो सच जानता है लेकिन बोल नहीं रहा, थोड़ा सा उसका हवा टाइट करना पड़ेगा। अरे मिश्रा जी, जो सिकंदर बात करते हुए लाते मारता था, उस सिकंदर अपना पैसा वसूल करने के लिए लोगों को प्यार से मोहलत देने लगा, ये कैसे? सर अब आप कर्जदार लोग से तो बात कर ही लिए तो फिर अब हम क्या कहें सर? कर्जदार को कभी देखे हो तुम? वो जिंदा लाश है। सिकंदर के मरने के बाद भी उनके अंदर का वो सिकंदर का डर जो है ना अभी तक निकला नहीं है। देखिए मिश्रा जी, हमको मालूम है कि प्रकाश राय को ट्रेन के नीचे ही सिकंदर फेंका था। अब आप हमको सिकंदर का सब करतूत एकदम सच सच बता दीजिए। वो जी काहे उस पापी का पाप अपने सर पर ले रहे हो? कर्जदारों की आंखों में आंखें डाल के देखा है कभी? लाचार है, गरीब लोग है वो। सर सर अब हम क्या बताएं, ये जो सिकंदर सिंह है ना सर बड़ा ही कठोर आदमी है। जब कोई कर्जदार 10-12 दिन पैसा देने में देरी कर देता था ना सर, तो सिकंदर सिंह खुद पर्सनली उसके घर पे जाता था पैसा वसूल करने, और जब मूल नहीं मिलता था ना सर तो ये घर में घुस के सूद वसूल करता था। घर में घुसकर सूद वसूल करता था मतलब? मतलब अब मतलब हम बोलिए, मतलब सब घर की औरतें बहू बेटियों इनके साथ जबरदस्ती सोता था ये। फिर भी अगर पैसा नहीं मिलता था ना सर तो सिकंदर सिंह हर 2-3 दिन के बाद फिर से रात 12 बजे के बाद घर में घुस जाता था। फालतू बात कर रहे हैं मिश्रा जी, बदनाम कर रहे हैं हम लोगों को, शांति से जीने दीजिए हम लोगों को। सिकंदर सिंह आता था देर रात को, धमका के चला जाता था, हाथ लगाता तो हसवा से ना काट देते उसको। मिश्रा जी बकवास कर रहे हैं। अरे ये सब गलत बात है, सिकंदर गलत आदमी था पर जो भी बोला ये गलत बोला है, ये हमारी पत्नी है, आप खुद ही पूछ लीजिए। कोई नहीं स्वीकार करेगा शुक्ला जी, बात इज्जत की है। सिकंदर अगर एक बार जिंदा भी होता तो लोग उसके खिलाफ गवाही दे देते, लेकिन अब वो मर चुका है, अब उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, अब कोई दूसरा ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सिकंदर की जिंदगी का सबसे घिनौना पहलू अब पुलिस के सामने था। पुलिस को अपने खबरी के जरिए पता चला कि सिकंदर की बीवी भी अपने पति की रंगरलियों से परेशान थी। क्या ये शक सबूत है? इसे पुख्ता करने के लिए अकाउंटेंट मिश्रा को थाने में हाजिर किया गया। क्यों मिश्रा जी, ये सिकंदर उसकी बीवी में कैसे संबंध थे? उसको सब पता था ना? पता था सर, सब कुछ पता था। एक दिन तो वो बोल भी रही थी। एक बात बताइए मिश्रा जी। जी मैडम। एक कर्जा का कारोबार कितना समझते हैं आप? भैया जी के ना रहने पर
अच्छे से मैनेज कर सकते हैं ना आप। लेकिन हमारा उसमें कुछ लेना देना नहीं है सर, हमको इसमें कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं जानते सर हम इस विषय में। अब तो आप ही अपने पति का बिजनेस संभालोगे? संभालना पड़ेगा, पर ये सब आप हमसे काहे पूछ रहे हैं? क्यों, आप ही पूछे थे ना मिश्रा जी से। का पूछे थे? कर्जा का कारोबार कितना समझते हैं मिश्रा जी? भैया जी अगर कल को नहीं रहे तो संभाल पाओगे कि नहीं मिश्रा जी, पूछे थे नहीं पूछे थे? तो का गलत किए? अरे सिकंदर सिंह जैसे आदमी के कितने दही दुश्मन होते हैं आप अच्छे से जानते हैं ना। अरे ऐसे आदमी की जान कभी भी जा सकती है, और उनके जाने के बाद ये बिजनेस कौन संभालेगा? हम, उनकी वाइफ, और अगर मैनेजर और अकाउंटेंट से तनिक कुछ पूछ लिया तो का गुनाह किया? अब देखिए आज वही स्थिति है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि स्थिति आप ही क्रिएट किए हो। बकवास कर रहे हैं आप। अब तमीज से बात कीजिए आप, ये मत भूलिए कि आप पुलिस से बात कर रही हैं। पुलिस से तो का कुछ भी बोलेंगे आप। अरे अरे सिकंदर सिंह जैसे आदमी की पत्नी होने का मतलब समझते हैं आप? अरे कितना कुछ झेलना पड़ता है, कितना कुछ सहना पड़ता है, अरे नहीं जानते हैं आप। चलो हाँ, तो आप उसको लॉकअप में डालिए, हम वही आते हैं। सर वो कट्टा वाला पकड़ा गया। जो जितना मालूम था बता दिए सर, जो जितना मालूम था बता दिए सर। बता दिया ना? तो मालूम तो बता दिए सर। चल अभी बता कि नेहा कहाँ मिली तुम्हें? स्टेशन के बाद जब मैं कंटीन में था देख ली, वो बोले लगी लाकर दो, हम दाम बोले तो घंटे भर में लाकर दे दी वो। और नहीं मैम, नहीं मैम हम कोई नाई मैम नहीं दिए उसको सर। फिर किसको दिए? किसी को नहीं सर। अच्छा मार खा के ही पेट निकला क्या तुम्हारा? एक पार्टी लेकर गया था 10 रोज पहले, हम कट्टा दिए लेकिन कहने लगा कट्टा मिस फायर हो जाता है। नाई मैम। नाई मैम कहाँ से लेते हो? बॉर्डर उस पास से सर, बड़ा महंगा पड़ता है, 180,000 का। नाम क्या उसका? नाम तो नहीं बोला सर, हाथ का 2 अंगूठी और गले का 1 चेन दिया था हमको। उम्र क्या रहा होगा उसका? उम्र कोई ज्यादा नहीं था, चोकड़ा था 23-24 का। लेकिन प्यारी लग रही है। आप अपनी रस्म चालू रखिए। अंगूठी पहनाओ। अच्छा। लो सांटो। लो बाबू। पहले लड़की ना पहनाती है। हाँ हाँ। अच्छा। अरे वाह। सांटो तुम्हारे मन की बात हो गई। हाँ पहना। इस लड़की के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन निकालो, क्या करता है कहाँ रहता है, तुरंत। सर सर मुंह मीठा करिए ना। नहीं हाँ। आप लोग प्लीज। आइए सर। सर तरुण भक्त और शांतु सिंह दो स्टूडेंट रहता है इधर, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, यही लिए तो रेट पड़ा है उनके। जाजी सर जरा देखिए तो, एक को कोना छूटना नहीं चाहिए। सर आप उधर जाइए। सर दोनों आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। अरे अंदर कुछ मिला कि नहीं जी? नहीं सर। सर ये मिला है। जा जी सर आजकल आईएएस की तैयारी इससे होती है क्या? अब जल्दी से आईएएस निकाल लो, जल्दी से ब्याह भी करा देंगे। नहीं भी पास किए तब भी कर लेंगे मैरिज, प्रॉमिस जो किए हैं इनको। अरे करेंगे कैसे नहीं, तैयारी भी तो बहुत किए हैं। सही कह रहे हो, पूरी तैयारी की है ये। चलो बाबू साहब और आप भी मैडम
प्रॉमिस किया था ना आपको ये। चलो लेकिन इनको बताओगे या प्रमाण पत्र छपाना पड़ेगा? बोलना का है, सब बूझ ही चुके हैं आप लोग। हम आपके हाथ जोड़ते, पैर पड़ते, गोली मत मारिए, पैसा चुका देंगे हम लोग, सूद ले लीजिए। बड़ा कंफ्यूजन है। दो तो सूद है। टॉस कर लेते हैं। हेड आया अम्मा, टेल आया बेटी, दर तेरी था, हेड आया। देखो अरे भैया जी, भैया जी दरवाजा खोलो, भैया जी खोलो। उसके बाद सिकंदर हर हफ्ते आने लगा, बाबा से ये सब सहा नहीं गया। अगर आप हमारे डेरे पर आए तो हमको पुलिस में खबर करना पड़ेगा। माँ और हमने तय कर लिया, बाबा के मर्डर का बदला लेंगे हम। वो हमारा बॉयफ्रेंड तरुण, हम उसे सब बात बताए। पहले तो वो मना कर दिया, फिर मान गया। तुम हमसे शादी करना चाहते हो? नहीं, हम तुमसे हमेशा से मैरिज करना चाहते हैं। तो सुन लो, पापा की मौत का बदला लेना है तुमको। बहुत ही मुश्किल से निकलवाए हैं ये, पर हमने पढ़ा को बॉयफ्रेंड का लास्ट में हाथ पैर ही फूल गया। हमसे नहीं होगा ये। शादी कर सकते हो, मर्डर नहीं। हम माँ बेटी बहुत ही निराश हो गए, पर फिर एक रोज कैसी हो नेहा? ठीक ही है। हम तुमको एक तो बात बोलना चाहते हैं। बोलो। हमको सब पता है। का पता है? यह कि तुम तरुण को कट्टा दी हो सिकंदर को मारने के लिए। तुम्हारे दोस्त के पेट में कोनो बात पछता नहीं है का? नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो काहे कि उस दिन हम तुम्हारा और उसका बात सुन लिए थे। शादी कर सकते हो, मर्डर नहीं। बैड हैबिट, पर काहे ना कि भूल जाओ उस बात को। वैसे भी अब वो करेगा नहीं। हम करेंगे ना, हम करेंगे। अगर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मर देंगे सिकंदर को। पर तुम क्यों मारोगे? तरुण तो हमारा बॉयफ्रेंड है। दरअसल बात ऐसा है ना कि हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और कभी बोल नहीं सके, और बोलते भी कैसे? मारोगे तो बदले में? वह जो तुम तरुण से प्रॉमिस की थी अब हमको कर दो। तो बदले में हम तुमसे मैरिज कर लें। इससे नहीं होगा, देसी है, अनरिलायबल है। फिर हम करेंगे ना इंतजाम। शांतु स्टेशन वाले गन रनर को जानता था, उसने अपना अंगूठी और चेन देकर उसी से एक ठो ऑटोमेटिक ले लिया। हम जानते थे सर, सिकंदर रोज सवेरे 5 बजे सैंडिस कंपाउंड में दौड़ लगाने आता है। वही गाड़ी का पीछा करना है, चलो जल्दी करो। हमने अपना दोस्त से गाड़ी भरो की। ये काम में हम लोगों के साथ राजेश भैया की पत्नी सुमन और नरेश भैया की पत्नी बीना भी शामिल थी। कर्जा उन लोगों ने भी लिया था, वो लोग भी बगल वाले टोले में ही रहते थे। माँ से भेंट होती रहती थी, मालूम था हमें सभी के साथ एक ही अन्याय हो रहा है, और सबका गुनहगार एक है, सिकंदर। हमारा कोई टीम नहीं है सर, ये तो संजोग का बात है कि उस दिन सिकंदर को मारने के लिए दूसरा पार्टी भी आया था। हम अपना पापा का लाइसेंस से बंदूक से बहुत खेले, निशाना एकदम सटीक लगा, और फिर हम लेडीज लोग को इशारा करती है। नेहा, उसकी माँ बीना और सुमन समाज का वो प्रतिशोध थी जिसने सिकंदर सिंह के जुल्म को उसके हद पर खत्म कर दिया। भागलपुर सत्र अदालत ने सिकंदर सिंह की हत्या के आरोप में लिप्त सभी लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपराध के प्रति सजगता बेहद जरूरी है, और उतनी ही जरूरी बात यह है कि इसको नैतिकता और कानून के जरिए सुलझाया जाए। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।